अभी मैं बैठा हूँ बाहर जन्नतुल बकी के बाहर ही हूँ। ये आगे जन्नतुल बकी है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं रात को ही पहुँचा था मदीने में और अभी मदीने में हूँ मैं और चल रहा हूँ मदीने की तरफ। थोड़े दूर पे है, बस 500 मीटर का रास्ता है यहाँ से। और आप लोगों के और आज मदीने की सैर कराता हूँ और बने रहें वीडियो में, आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह, मैं रात को आया था इधर मैं, लेकिन मैं ना एक टाइम होता है मेरी भी वीडियो बनाने का ना, मैं जब इबादत करने आता हूँ तो कोई वीडियो नहीं, तो उसके बाद भाई जब आता हूँ फिर दोबारा तो वीडियो बनाता हूँ, जो भी करना होता है तब करता हूँ। अभी चलो अंदर। वाह, यहाँ पे कितनी सुकून है ना भाई, पूछो मत। कसम से यहाँ पे आप ना जन्नत देखनी हो ना तो मक्का मदीना देखो। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो ये दो जगह, इसके सिवा कहीं नहीं है भाई। आप कुछ भी कर लो, आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। कितनी भी दुनिया की तकलीफ़ें हों, कितनी भी कुछ भी हो, बस एक बार आप आओ यहाँ पे बैठो, जो दिल में है बात बोलो, सब कुछ यहाँ पे, सब गुनाह की माफ़ी मिलती है भाई, हर एक चीज़ की माफ़ी है। अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूँ यार, यहाँ पे हूँ मैं। ये देखो पूरा है, अरे वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है भाई। अभी और अंदर चलते हैं। वाह, यहाँ से देखो रोज़ा, बाकी उधर जन्नतुल बकी है। ये पूरा वहाँ से, ये बंद है पता नहीं क्यों। सलामुअलैकुम। वालेकुम। अभी चलो अंदर चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी जब हम यहाँ पे जाते हैं ना तो यहाँ पे सिस्टम अलग है, मतलब अभी जन्नतुल बकी बंद है, सर के बाद खुलेगी। और बाकी यहाँ पे यहाँ से औरतों की एंट्री होती है ना, यहाँ से औरतों की एंट्री होती है। ये देखें इस तरफ से जाकर ऊपर से औरतें आएंगी, ऊपर से औरतें आएंगी, फिर यहाँ पे नमाज और औरतें रोज़ा रसूल पर सलाम करेंगी। चलो अभी देखते हैं हम और आगे आपको दिखाते हैं जो भी है। सो ये है जन्नतुल बकी,
यहाँ पे आप अंदर जाओगे तो जन्नतुल बकी है, लेकिन अंदर की वीडियो नहीं बना सके, अच्छा नहीं लगा। बाकी मैं चलता हूँ अभी बाहर की साइड। ये देखो पूरा यहाँ पे बहुत भीड़ है। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी चलते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है और माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं अभी तो। जैसे रात होती है और ज़्यादा पब्लिक आती है। अरे मुझे कहाँ जाना है, मुझे उधर से जाना है। चलो अब चलो यहाँ से बाहर, हम जा रहे हैं अभी रूम की तरफ जाएंगे। छः बज रहे नहीं, 5:30 हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है थोड़ा। मस्जिद के अंदर जाता हूँ ना, यहाँ पे जब आओ ना तो सिर्फ रोना आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ है भी नहीं ना, क्या बोल सकते हो आप। बस इनको देखो, दिल का हाल सारा ये जानते हैं, इनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं। बोला उनको जानता है जो आपको नहीं जानता, ये तो हर एक चीज़ जानते हैं हमारे, तो इनको बोलने की क्या ज़रूरत है। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो वार्ड नहीं है बोलने का, कुछ वार्ड सिर्फ देखो और फील करो। सारे लोग यहाँ खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं। चलो अभी चल रहे हैं रूम पे, और रूम पे चलते हैं, सामान पैक करना है, सामान पैक करेंगे फिर कल इंशाल्लाह निकला जाएगा यहाँ से रियाद के लिए। रुकना तो बहुत बहुत दिन था यहाँ पे, दिल भी था, लेकिन उनकी मर्जी के आगे कुछ नहीं होता भाई, कितना भी कुछ कर लो। अब रियाद में देखूंगा, काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर। चलो दुआ करो आप लोग, बाकी मिलता हूँ रूम पे। चलो आ गए रूम में, और शुक्र है अल्लाह का यहाँ तक जर्नी हुई है, और थोड़ी तकलीफें हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह जो भी करे बेहतर करे, यही बोलता हूँ मैं। बाकी सामान वामान पैक करना है, कल यहाँ से रियाद के लिए मैं इंशाल्लाह निकलूँगा। रियाद में थोड़ा काम है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इंडिया इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से जल्दी इंडिया जाऊंगा। इंडिया में फिर थोड़ा कुछ करेंगे, देखेंगे क्या होता है, फिर इंडिया से निकलूंगा दूसरे देश के लिए डायरेक्ट, वहाँ से इंडिया से, या जॉर्डन या इराक कहीं भी फ्लाई कर सकता हूँ, या इराक, हाँ देखता हूँ जो भी होगा। पैर का प्रॉब्लम हल नहीं हुआ अभी तक, पैर तो ऐसे ही है। बाकी यार कभी कभी होता है ना लाइफ में, आप जो सोच के चलते हो ना कभी नहीं होता है, कब लाइफ ऐसे पलट जाए ना पता नहीं चलता। इतने अच्छे से आया था, लोगों को लगता है ना मेरे पास बड़े पैसे हैं, कोई पैसा नहीं है भाई, होता ना तो आज मैं, देखते हैं। चलो आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा, बाकी देखते हैं। चलो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी।